कॉलर हैं, आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ पीर मोहम्मद सदीक और रहमान अहमद खाल की भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ऑल्सो इस्लामिक स्कॉलर हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। आगे बढ़ते हुए, अगर आप इस मौजू का इंट्रोडक्शन दे सकते हो, आज हम किन चीज़ों पर फोकस करेंगे, क्या हमारी कोशिश रहेगी अपनी ऑडियंस को मैसेज पहुँचाने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू। इरशाद रबानी है, मालिक इरशाद फरमाता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तफरके में ना पड़ो। कुरान हकीम हमें ज़िंदगी गुजारने का ढंग रंग और पूरी ज़िंदगी का एक ज़ाबता अता करता है। तो आज के प्रोग्राम में हम ये देखेंगे कि आया हम अपनी ज़िंदगियों को किस तरह से एक अच्छे इंसान के तौर पे, एक अच्छे मुसलमान की हैसियत से, एक अच्छे फ़र्द की हैसियत से, जिसमें हकूकुल्लाह की अदायगी भी अच्छे अंदाज से हो जाए और हकूकुल इबाद की अदायगी भी भरपूर तरीके से हो जाए, एक ज़ाबता हयात समझ के कुरान करीम की वो सरचश्मा हिदायत समझकर उससे रहनुमाई लेंगे। और इस रहनुमाई में आज एक एहसास पैदा करने की कोशिश करेंगे कि मुआशरा अगर किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने आप को मुज़य्यन कर ले तो उसके लिए खुशहाली, इज़्ज़त, वकार, भरम और ख़ुसूसन अमन, सलामती, तकरीम इंसानियत, ये इतना बड़ा मज़ू है कि हमने अपनी ज़िंदगी को हर लिहाज से कुरान के साथ जोड़ना है। यही आज का आप नशिस्त का खुलासा कलाम है। अगर आप भी इस पर बात करना चाहें, कितना ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी के मेजर